नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय में है और कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। बलिया लोकसभा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के स्वागत वेलकम के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उनकी रणनीति के लिए, कैसे वो चुनाव जीतेंगे, सारी चीज़ों पर आज ये मैं देखता हूँ कांग्रेस पार्टी में लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मुन्ना उपाध्याय जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुन्ना उपाध्याय जी, जी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में मायावती ने भीम राजभर को चुनाव लड़ा दिया, वो आपका राजभर फेल मार जाएगा क्या वहाँ? नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि मायावती का फिगर जनता जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जनता संकल्पित है और इंडिया गठबंधन को सत्ता देने के लिए जनता तैयार बैठी है। इसलिए मायावती कोई भी चाल चलने जनता पर उसका कहीं दूर दूर तक कोई असर नहीं है। अरे भीम राजभर लड़ रहे हैं तो प्रकाश राजभर वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर को तो प्रकाश राजभर इसलिए कि वो भी तो एनडीए के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर को तो जनता पहले ही जान चुकी है कि ये दलाल टाइप का आदमी है, इसलिए इसका कहीं कोई असर नहीं है। अब रहा हम लोगों के पास, इंडिया गठबंधन के पास रामाशंकर विद्यार्थी जैसा राजभर है जो कि स्वयं और ऊपर से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, इसलिए 4 जून को इनका विजयी होना तय है। मायावती का कोई समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने वहाँ पे पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी को चुनाव लड़ाया, ठीक। अब कल जो आपने देखा कि भीम राजभर भी आ गए बसपा से, अब बताइए आपकी साइकिल और उनकी हाथी कैसे चलेगी? देखिए, बात सलेमपुर का नहीं है, आज राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 140 करोड़ जनता अपना मूड बनाकर बैठी है कि मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। आज ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, इसलिए इसमें मायावती का तो कहीं कोई नामे निशान नहीं है। अब रहा रामाशंकर विद्यार्थी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। अरे कैसे जीतेंगे, राजभर आ गया वहाँ पे? आप 4 जून को देखेंगे कि इंडिया गठबंधन 300 प्लस से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि उस राजभर के सामने मेरा राजभर बहुत तगड़ा है? अरे महाराज, राजभर की तो बातें नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और जो हमारा राजभर है उसके साथ इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन का मतलब है आज सत्ता के सबसे करीब और हम सत्ता 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी, आप सुन लीजिए नेताजी, आपका इंडिया गठबंधन के रामाशंकर विद्यार्थी राजभर हैं और वहाँ एक तरफ रविंद्र कुशवाहा सांसद है, उनके सामने एक मजबूत राजभर जो योगी सरकार में मंत्री हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मायावती के भीम राजभर, ये दो दो राजभर से कैसे टकराएंगे आप? देखिए देखिए, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। भाजपा ने इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जैसे दलाल को अपने साथ रखा है ताकि भरों का वोट मिले, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि भर और के नाम पर कुछ नहीं, मोदी को सत्ता से हटाना है, इसलिए भाजपा का कोई चाल काम नहीं कर पा रहा है सलेमपुर में। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से वहां चुनाव जीत रहा है। चलिए दोस्तों, बात से फिर आपसे जुड़ेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी मुन्ना उपाध्याय जी से, चूँकि ये प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं कांग्रेस के और पुराने लीडर हैं, इसलिए ये आजकल देखा जा रहा है कि कांग्रेस भवन में छाए हुए हैं। नमस्कार।